इसराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल पहुंचे। यहां उन्होंने जंग के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद यहां आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इसराइल के साथ में खड़े हुए हैं। हमास ने बेरहमी से इसराइल के लोगों का कत्ल किया है। ये आईएस से भी बदतर है। इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देने के लिए तैयार है। हम अपना वादा निभा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने इसराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने एक दिन में करीब 1400 से अधिक इसराइलियों की हत्या की। अभी इसराइल के लिए यह अच्छी बात है कि उनका सबसे सच्चा मित्र अमेरिका उनके साथ में खड़ा हुआ है।